अभी जो आपको सेंसेशन मिलती है जैसे आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है, ये पहला स्टेप है। पूरा ध्यान बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है। इधर जो आपको सेंसेशन होती है उस पे अपना पूरा ध्यान एकाग्रित करो, नाभि पे पूरा ध्यान। तो यहाँ आप सीख रहे हो हाउ टू मूव योर कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेडली अप एंड डाउन। उसके बाद तीसरा स्टेप है, जो आपने कॉन्सेंट्रेशन सीखा है उससे अपना पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीच में अपने इष्ट के चरणों पे ध्यान एकाग्रित करो। तो जो भी क्वालिटीज हैं उस इष्ट में वो आपके अंदर आती जाएंगी आती जाएंगी। श्वास को बाहर रखें, नासिका से नाभि का और नाभि से आप क्या कहना चाहोगे? गांधी जी के महात्मा गांधी महात्मा गांधी की चार वस्तुओं से सादगी The virtues of living a simple and high thinking life. We must be as simple as possible in our thoughts. I extend my heartiest thanks to guest of honor, Dr. Sapna Sandra. Madam, we listen to you. You are so original, so pure. You have really left indelible impression on the mind of the faculties and the students. We are highly thankful to electronic and print media for the wide coverage. You are really the backbone for extending and disseminating the information of what is happening across the CEO, Chief Education Officer, for giving the opportunity to the school's principals or in charge to become the part of this activity along with their students. We extend heartfelt thanks to them also. Cycling ka mission, main koshish kar raha hoon, Srinagar se कन्याकुमारी जाने के लिए एक साधारण साइकिल में, और इसके तीन उद्देश्य हैं। एक तो है कि साइकिलिंग तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, परंतु उसके साथ मानसिक विकास भी होता है, उसके साथ आध्यात्मिक विकास भी होता है। अगर आप एकांत में साइकिल करें तो एक मेडिटेशन जैसे बन जाता है। तो ये तो एक उद्देश्य हुआ, उसके साथ पर्यावरण को भी अफेक्ट करता है तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा उद्देश्य ये है कि महात्मा गांधी को हम थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, तो महात्मा गांधी का जो सोच थी वो थी उच्च विचार और साधारण जीवन, तीन जोड़े कपड़े के हैं। तो इन तीन जोड़े कपड़े के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने के लिए, ये दूसरा उद्देश्य। और आखिरी तीसरा उद्देश्य जो सबसे मेरा बहुत दिनों से हम लोग का ये एक आंदोलन है जिसका नाम है स्पिक मैके, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स यूथ, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैंने ये साइकिल यात्रा शुरू मतलब की है लोगों को इसके साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि एक स्वयंसेवी आंदोलन है। हमें वॉलंटियर्स चाहिए सारे देश भर में, और ये पूरी यात्रा को ये कोशिश इसमें ये होगी कि जितने हम नए वॉलंटियर्स को इसके साथ जुड़ सकें जो हम जोड़ें, ये तीन मेजर उद्देश्य। I'm Dr. Sapna Sangra. I teach at Jammu University and a volunteer with SPIC-MECE as a state chairperson. रुकी 15 अगस्त को
और जम्मू में हमारे काफ़ी कार्यक्रम हुए, IIT जम्मू में हुआ, IIM जम्मू में हुआ, इनकी चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ भी मीटिंग हुई, प्रोमिनेंट सिटीजन्स के साथ इन्होंने मीटिंग की उधमपुर में। तो ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा कन्याकुमारी तक। और हमने ये सुना कि जो हमारे जम्मू और IIT और IIM के बच्चे हैं वो तो इन स्पिकमेके के साथ बहुत जुड़े हुए हैं पहले भी, और जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, उनमें तो हम परफॉर्म करते हैं और वहाँ से हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। लेकिन हमने ये इनिशिएटिव इस बार पहले लिया है कि जैसे जैसे ये निकल रहे हैं, छोटे छोटे जगहों से निकल रहे हैं, छोटे छोटे गांव से निकल रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश थी कि आने वाले जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बॉर्डर एरिया से हैं, फाफ लंग एरिया से हैं, जिनको इस तरह का एक्सपोजर और इस तरह की बातचीत का जो मौका नहीं मिलता है। तो हमने कोशिश की, हमने जब कॉलेज प्रिंसिपल को अप्रोच किया तो आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू हियर कि उनकी इंस्टेंट सपोर्ट आई। तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, देन ही इज़ ऑल्सो गोइंग एंड स्टेइंग एंड इंटरैक्टिंग विद स्टूडेंट्स ऑफ हीरानगर कॉलेज, देन वी हैव इंटरैक्शन इन कठुआ कॉलेज। सो वॉट आई एम सेइंग इज़ कि हमारा पर्पज़ ये है कि जो इनका मैसेज है वो उसकी वाइडर सर्कुलेशन होनी चाहिए, हर जगह पहुँचना चाहिए। एंड फॉर दैट आई एम वेरी ग्लैड कि सारे प्रिंसिपल्स जो हैं दे हैव कम फॉरवर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कम फॉरवर्ड, दे आर सपोर्टिंग अस, हेल्पिंग अस इन रीचिंग एंड कैरिंग फॉरवर्ड द मैसेज जो स्पिकमेके का है। मैं तो जम्मू मैं ही बेस्ड हूँ, इन बच्चों के साथ हमेशा जुड़ी रहूंगी, इनसे मिलती रहूंगी, और इन कॉलेजेस में आके जो डॉक्टर सेठ अपनी बात बहुत, क्योंकि समय की पाबंदी है, साइकिल कर रहे हैं, अपने आपको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो मैं इन कॉलेजेस में आके जो इनकी बात है उसी को और डिटेल में ओरिएंटेशन करके इन बच्चों तक पहुंचाऊंगी, ताकि वो हमारी कल्चरल विरासत जो है हमारे हिंदुस्तान की, उसको हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, उनकी जनरेशन तक अपना मैसेज कैसे पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए मैं कार्यरत इनके जाने के बाद भी रहूंगी, एंड आई विल स्टे इन टच with the principals of these colleges and with the administration for that. Thank you very much.